नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो का इस वाईवेल को लेकर के बंद में रानिया बाजार रहा पूरी तरह से बंद। इनेलो नेताओं ने करवाया बाजार बंद, सरकार के खिलाफ जताया रोष, प्रशासन मौके पर। आज एस वाई एल सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर के इनेलो बसपा का संयुक्त रूप से किया गया बंद का आह्वान पूरी तरह से कारगर रहा, जिसके चलते रानिया में भी बंद सफल रहा। क्षेत्र में 90% दुकानें बंद रही तथा लोगों व आम दुकानदारों ने बाजार बंद को समर्थन किया। इस दौरान इनेलो बसपा नेताओं ने रानिया में भगत सिंह चौक में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व प्रदर्शन भी किया। आप देख रहे हैं रानिया पल पल से ओपी वर्मा की ये रिपोर्ट। लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त आह्वान से पूरा प्रदेश व्यापी आज बंद है। आपके सामने है कि जो रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, जो प्यार से बंद है, ना कि कोई धक्के से किसी के, क्योंकि व्यापारियों का लगातार 4 साल से जो सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हर वर्ग दुखी है। जिस दिन से प्रदेश और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, जो उन्होंने वायदे किए थे मैनिफेस्टो में, जो वायदे किए थे उस पर खरा उतरने का काम उन्होंने नहीं किया। जिस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आंदोलन छेड़ा था अंबाला में, उस दिन जेलें भी भरी थी पंजाब के अंदर, आपको याद होगा। जब तक जैसे सेशन था, कल चालू है, सोमवार और मंगलवार में और भी रहेगा, 2 दिन विधायक जी भी साथ खड़े हैं, और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने भी आश्वासन दिया है हरियाणा की जनता को भी, जब तक एस वाई एल का पानी है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, लागू नहीं करते। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा पार्टी, दोनों पार्टियों ने मिलकर 8 सितंबर को पूरा हरियाणा प्रदेश बंद करने का जो निर्णय लिया है, बहुत ही एक किसान के लिए, एस वाई एल मुद्दे को लेके, जीएसटी की दरों को लेके और नोटबंदी को जो लेके, और जो आने वाला टाइम है हरियाणा प्रदेश में, मुख्यतः एस वाई एल नहर का जो निर्माण है, लगभग 2 साल के करीब सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश आ चुका है कि नहर को बनाया जाए, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक भी उस पर एक कदम भी कार्रवाई नहीं की। तो इसी बाबत आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा पार्टी ने मिलके ये जो पूरा हरियाणा प्रदेश बंद का आह्वान किया था, और पूरा व्यापारी भाइयों ने, दुकानदारों ने बड़ा सहयोग दिया है, और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो प्रदेश है वो बंद करने का काम किया है पूरे प्रदेश ने। देखिए, आज का एक सांकेतिक बंद था हमारा, पूरे प्रदेश में बंद का था, और अगर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार एस वाई एल नहर को बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, तो जैसा भी पार्टी बैठ के निर्धारित करेगी, हम हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए, हमें आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे, रोड जाम करने पड़े रोड जाम करेंगे, और हरियाणा प्रदेश के जो हक हैं हरियाणा वासियों को हम दिला कर रहेंगे। अगर दूरी से देखें तो जननायक चौधरी देवीलाल जी के, जिस टाइम हरियाणा का जो बंटवारा हुआ उस टाइम से जननायक चौधरी देवीलाल जी ने ये लड़ाई लड़ी, और जननायक चौधरी देवीलाल जी का परिवार ही हरियाणा प्रदेश के हितों की लड़ाई आज भी लड़ रहा है ज्यों की त्यों। और एस वाई एल का नहर का जब तक पानी नहीं आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुप करके नहीं बैठेगी। लोकदल चौधरी अभय सिंह की अगुवाई लगातार 4 साल तो जो एस वाई एल के मुद्दे से संघर्ष चलता रहा, उस दे अज चौथे पड़ा च सारे हरियाणा च बंद किया जाए, ताकि एस वाई एल का निर्माण हो, हरियाणा के लोगों को पानी मिले।